मुस्लिम कंट्रीज या दूसरे देशों में शोषित हिंदू हैं या शोषित लोग हैं वो भारत आते हैं तो हम उन्हें नागरिकता देंगे। लेकिन आपकी धर्मपत्नी इनलीगल माइग्रेंट होके आई है, बहुत कागजी चीजें हैं, तो फिर कैसे हो? मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर कि मुझे दे दें, क्योंकि मैं पाकिस्तान से तंग होके आई हूँ, वहाँ मैं खुश नहीं थी, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक ऐसी लव स्टोरी जो यहाँ पर सरहद पार करके भारत आ जाती हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर ये लव स्टोरी वायरल होती हुई नज़र आती है। यहाँ पर कई एक तरीके से सवाल खड़े होते हैं। ये लव स्टोरी यहाँ पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के बीच में दिखाई देती है, जो पाकिस्तान से भारत आ जाती हैं अपने प्यार के लिए। अब सीमा हैदर की बात करें तो यहाँ पर सीमा हैदर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके पति सवाल खड़े करते हैं जो गुलाम हैदर हैं। यहाँ पर सवाल खड़े किए जाते हैं सीमा हैदर की सहेली यानी कि फ्रेंड के द्वारा। सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जाते हैं पाकिस्तानी सरकार द्वारा और यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ये एक जासूस है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि बिना वीज़ा के भारत में एंट्री लेना, नेपाल के रास्ते से घुसना और सचिन मीणा का इसमें मदद करना और यहाँ पर गिरफ्तारी होना, उसके बाद जमानत मिल जाना और यहाँ पर सीमा हैदर का बार बार ये कहना कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी, मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या भारत सरकार यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगी? इस लव स्टोरी में क्या कुछ और यहाँ पर नया मोड़ दिखाई देगा? क्या ये लव स्टोरी जो यहाँ पर ये दिखाई देने की कोशिश कर रही है कि ये एक गदर जिस तरीके से फिल्म आई थी वही यहाँ पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के बीच में दिखाई दे रहा है? ये जो यहाँ पर सीमा हैदर की जो कहानी दिखाई दे रही है सीधे तौर पर यहाँ पर जासूसी कांड से जुड़ जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर कोई बड़ा संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें कि यहाँ पर सीमा हैदर पर चुप्पी तोड़ते हुए गुलाम हैदर ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है और यहाँ पर सीमा हैदर को कहीं ना कहीं ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके बच्चे वापस कर दिए जाएँ, यहाँ पर सीमा को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनकी बेटी वापस कर ली जाए। तो ये पूरा मामला भी यहाँ पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच यहाँ पर गुलाम हैदर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर स्टाफ को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं मेरे बच्चों को वापस किया जाए। वो इस टाइम भारत की कस्टडी में है। मैं गरीब हूं, मेरा ना वजीर आजम सुनता है ना सिंध वजीर आला सुनता है, मैं मिस्कीन हूं। मैं हाथ जोड़ के आर्मी चीफ स्टाफ मुनीर साहब को मैं अर्ज करता हूं, मेरा सुना जाए, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को वापस किया जाए सर। जैसे कि आपने गुलाम हैदर को सुना, उसके बाद यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि इसकी तह तक जांच होनी चाहिए और जांच के रूप में यहाँ पर देखना चाहिए कि राजनाथ सिंह कोई बड़ा संज्ञान लेते हुए नजर आए। सुरक्षा एजेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर अजीत डोभाल संज्ञान ले सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर अपना रुख रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ था इस पर सीधे तौर पर ये कहा गया था कि हमारी सरकार की लापरवाही है। आतंकवादी जो गतिविधियाँ हुई थी सीधे तौर पर ये कहा गया था ये लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। अब ऐसे में अगर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गलती को यहाँ पर फिर से नहीं दोहराना है, यहाँ पर अपने भारत को बचाना है, तो सीधे तौर पर पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर के खिलाफ यहाँ पर कदम उठाना पड़ेगा और जाँच के रूप में यहाँ पर सीमा हैदर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारी टीम ने भी सीमा हैदर से बातचीत की, यहाँ पर क्या कुछ सीमा हैदर खुलासा करती हुई नजर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखा है कि लोग प्रेम को लेकर कहते हैं कि प्रेम भटकने का राह है, लेकिन कई बार प्रेम मिलने का भी नाम है। प्रेम अपने आप में जिंदगी समेटे हुए है, दुनिया समेटे हुए है, देश समेटे हुए है। आज भारत के ग्रेटर नोएडा में, यूपी का जो ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे ऐसा ही एक जोड़ा है सचिन का और सीमा हैदर का, जो अपने प्रेम के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं और अब देखना ये है कि पनघट की डगर कितनी दूर और किस तरीके से तय होगी। सीमा जी और सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद।
आपसे एक पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों की पबजी से मुलाकात हुई, हमारे हिंदुस्तान में और ख़ासकर हिंदू में अपने पति को एजी करके बुलाते हैं, तो पबजी से लेकर एजी तक के सफ़र में कैसा रहा और दो शब्द की किस तरीके से आज ये मुलाकात मुकम्मल हो पाई? बहुत अच्छा था, अच्छी बात करिए आपने। पबजी और एजी, मैं इनको मीना जी बुलाती हूँ ज़्यादा, पबजी से मीना जी। तो सही था सर, शुरू में बहुत दुख देखे हैं मैंने ज़िंदगी में, तो शुरू की ज़िंदगी तो पूछे ही ना। पबजी में मिले, यही मेरे दोस्त थे, यही मेरे मतलब एक दुख सुख के साथी होते हैं, यही थे कि मैं अकेली रहती थी। तो यही कहूँगी सचिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ, इनको पा के मैं बहुत खुश हूँ सर। पता नहीं कि हम बहुत खुशी से रह रहे थे, पता नहीं वो क्या दिन था कि हमें यही सोचे कि यार अब बहुत बहुत छुप छुप के रहना, वकील से बात करते हैं, बताते हैं कि हम शादी कर चुके हैं और अब कागजी शादी भी करेंगे और बच्चे भी स्कूल जाएंगे, मैं पाकिस्तान से हूँ। वकील के पास गए उन्हें बताने के लिए, उन वकील को भी जो सुन रहे होंगे उनको थैंक यू कह रही हूँ, आपके लिए मैं इतनी फेमस हो गई, लोगों के मुँह पर मैं ही मैं हूँ। तो शायद अगर वो ऐसा ना करते तो हम एक घर में बैठे हुए थे, फिर भी ठीक है, जो होता है भले के लिए होता है, ऐसे हम हो गए सर, फेमस से हो गए। आप का पहले संस्कृति अलग, परवरिश अलग, देश अलग, अब ये संस्कृति अलग, परवरिश अलग, देश अलग। कुछ हमने आपके सोशल मीडिया पे देखा, आप तुलसी पूजन कर रहे हैं, कान्हा को पूज रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कान्हा प्रेम, जिसने कान्हा को पूजा उसका प्रेम कई बार मुकम्मल नहीं हो पाता, लेकिन जिसने तुलसी को साथ में पूजा उसके घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है। तो नई संस्कृति में, पुरानी संस्कृति से नई संस्कृति में जाते हुए क्या अलग लग रहा है या क्या तकलीफें आ रही? तकलीफें तो कोई नहीं आ रही, हाँ अलग थोड़ा सा लग रहा है। अब पूजा करती हूँ तो मतलब पहले तो मुझे थाली घुमाना भी सही से नहीं आती थी, मम्मी ने सिखा दिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं पूजा वूजा, तो अब आने लगी है, आहिस्ता आहिस्ता और भी सीख लूँगी। अब पाकिस्तानी भी शक उठा रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तान चली गई, पर मैं थी पाकिस्तानी, अब हिंदुस्तानी हूँ। जैसा हमारे भारतीय संस्कृति में या भारत में या अमूमन पाकिस्तान में भी हर जगह सास बहू ससुर सास बन रही है, ठीक से एकदम सेवा कर रही है? अभी तो बन रही है, आगे का पता नहीं। पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा नहीं है ना मेरी मम्मी है, तो मैं इनसे वैसा ही प्यार करूँगी। अगर कभी उन्होंने डांट भी दिया तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैं चाहती थी काश मेरी माँ होती और मुझे डांटती, मुझसे लड़ती, मुझे समझाती, तो अब मैं इनको अपनी माँ ही समझूंगी। अगर कभी इन्होंने डांटा तो मैं प्यार समझूंगी। जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा जो सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं, अच्छा सचिन बाबू पहले तो ये बताइए, खुश हैं आप और एक दूसरे देश से दुल्हन लेके आए हैं? अभी तक तो सानिया मिर्ज़ा की बात होती थी कि सानिया मिर्ज़ा को शोएब मलिक लेके चले गए, आप ले आए सीमा को। जी सर, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। खुश हैं? कोई तकलीफ आ रही है? अब देखिए मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया आ रही है, रोज आपको बातचीत करनी है, तो निजी ज़िंदगी कहीं ना कहीं दब गई है इस सबके बीच में? जी सर, परेशान तो है ही, खैर एक भी मिनट का ना खाने को, खाना खाने को टाइम मिल रहा है ना, ठीक से सो पा रहे हैं यहाँ पर मीडिया। नौकरी भी चली गई सबके बीच? हाँ भाई, जब यहाँ से फुर्सत दिन में मिली नौकरी पे तो जब तब जाऊँगा। नौकरी चली गई सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ मदद नहीं कर रहा है इनकी ना, कोई सपोर्ट कर रहा है, सब पूछने वाले हैं, सब अपना काम करते हैं, कोई भी नहीं पूछता कि तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है, कि पापा भी घर पे हैं, ये भी घर पे हैं, इनके कमाने वाले ये और इनके पापा हैं, मजदूर लोग हैं, तो कोई भी नहीं पूछता कि तुमने कुछ खाया कि नहीं, सब अपना मतलब निकालते हैं, हमें इंटरव्यू लेना है, हमें पूछना है, हमें पूछना है, किसी ने भी हमसे नहीं पूछा कि आपके घर में कुछ है कि नहीं, आप लोगों ने क्या खाया कि नहीं, हर कोई अपने मतलब से मतलब रख के जा रहा है, लोग मतलब के लिए आ रहे हैं। अब कुछ सवाल सचिन बाबू थोड़ा सा ऐसे हम कर लेते हैं जो जनता के मन में उठ रहे हैं और जनता को साफ साफ उसका जवाब भी मिल जाना चाहिए। सवाल आपके सामने बहुत बार आए भी होंगे, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपसे पूछ लेना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी जो धर्म पत्नी है सीमा हैदर जी, पाकिस्तान से प्रवासी होकर आई हैं, अभी नागरिकता नहीं मिली। भारत में जो नागरिकता लेने के नियम है उसमें ये है कि अगर कोई प्रवासी व्यक्ति आकर यहाँ पर शादी करता है तो वो 7 साल बाद नागरिकता ले सकता है, लेकिन अगर लीगली आया है तो अगर इनको नागरिकता नहीं मिली तो कैसे होगा? तो सर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से और योगी जी से कि
हम उनके ना वो हाजिर अभी से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी चीजें आगे की जिंदगी कैसे प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और हमारा घर परिवार बस खुश रहे, बस ये चाहते हैं हम और कुछ नहीं चाहते। बोल रही है बॉडी बिल्डर बना दूंगी, जिम भेजूंगी इनको। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी सरकार और लोगों का, खासकर लोगों का कहना है और आपको लेकर लोगों में कंफ्यूजन भी है, जैसे आपने पिछले अपने साक्षात्कार में इंटरव्यूज में बताया कि आपकी पढ़ाई लिखाई पांचवी तक हुई है, लेकिन उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जो महिला पांचवी तक पढ़ी है वो कैसे आधार कार्ड एडिट करवा सकती है, कैसे पुलिस से झूठ बोल के भारत में आ सकती है, इससे सीमा सुरक्षा को लेकर, और अगर कल को यहाँ पे NIA या रॉ आकर वापस आपको डिपोर्ट कर देती है तब। पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा, जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना, अब मेरे नसीब में जो लिखा होगा सर वही होगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आई हैं, ठीक है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी रही है, कराची और ये ग्रेटर नोएडा है, ऐसा जब आप कराची से शाहरजहाँ गई, शाहरजहाँ से नेपाल आई, दो देशों के बॉर्डर और तीसरे देश में अभी आप हैं, अब यहाँ के कानून और वहाँ के कानून एकदम अलग हैं, ठीक है, तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आ रही हैं, आपके ससुर जो वहाँ पे हैं, मैं यही बोलूँगा, कल की खबर छपी है, पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया है कि 7 लाख रुपये और 7 तोला सोना आप लेके गए। वो एक भूखे इंसान है, उनको यही याद होगा पैसा, पर उनका मैंने टका भी नहीं उठाया ना सोना। सोना मेरा यही मैंने पहन रखा है, मेरी मम्मी ने बना के मेरे दहेज में दिया था, मेरे लिए बना रखा था और मैंने अपना घर बेच के आई हूँ, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। वो एक गांव के, आपको उनके घर और वो चीज़ें देख के लगा कि वो 7 लाख के मालिक होंगे? उन्होंने तो ऐसा बोला। आप तो अगर उनके पास 7 लाख थे तो उन्होंने अपना कमरा क्यों नहीं बनवाया, झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आपको लगा कि उनके पास वो 7 लाख के मालिक हैं? उनके पास टका नहीं है, वो ब्याज में ले लेके खा के रह रहे हैं, और ब्याज भी किससे लेते हैं? वो हिंदू तो ही है वहाँ पे जेठमाबाद सिटी में शहर में, हिंदू लोगों से ये ब्याज ले लेके हिंदू कौम का ही वहाँ पे खा रहे हैं, ये अमीर जान हाजी जो हैं, मुझे पसंद नहीं पता है वहाँ पे जो ब्याज कोई वगैरह या कुछ लेना देना होता है तो हिंदुओं से ही लेते हैं, क्योंकि वो जो जेठमाबाद के हिंदू हैं थोड़े पैसे वाले हैं तो उन्हीं से ले लेके खा रहे हैं। तो कोई उनके पास पैसा नहीं था सर, वो पता नहीं कितने लाख का तो कर्जी है, लोग उनके घर में हर महीने भागे भागे आते हैं, ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं सर। अच्छा, आपकी जो शिक्षा हुई है पांचवी, अब तक आपने पढ़ाई की है और पांचवी तक पढ़ाई करने के बाद इतनी बेहतर, मतलब कि लोग बोल रहे हैं, हमने तो सुना नहीं कि बेहतर आप इंग्लिश बोल ले रही हैं, चीज़ें लोगों को समझा पा रही हैं, या इतना ज़्यादा आप मीडिया फ्रेंडली है, कैसे बिना कोई घर में अभी तक रहने वाली महिला ये कर पा रही है, कैसे कर पा रही है? ये मेरी जाहिर से सच है, मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए बगैर घबराए बोल रही हूँ। और दूसरी बात, ये मेरे साथ हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। जब मैं जेल में बोलती थी तो मुझसे बोला नहीं जाता था, रो रो के बोलती थी क्योंकि इतना खौफ था तब। फिर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तुम सच बोलोगी तो तुम्हारी जीत ही होगी, तो इसलिए मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए कोई डर नहीं है मेरे मन के अंदर। मरना एक दिन सबने है सर, पर मैं बेगुनाह ऐसे गंदी मौत नहीं मरना चाहती, एक दिन मौत मुझे भी आनी है। आप सब हर किसी को मरना है, जो मेरे पापा थे वो भी चले गए, दुनिया में कई लोग आए हैं चले गए हैं, मेरी भी मौत होगी एक दिन, पर इस तरह की मौत मैं नहीं चाहती। मैं यहाँ अगर मौत आती भी है मैं यहाँ मरना चाहूँगी, पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, और मैं सच ही बोल रही हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। अगर एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कल को पाकिस्तान एम्बेसी से लोग आते हैं यहाँ पर, जिसकी पूरी उम्मीद है पाकिस्तान एम्बेसी से, क्योंकि इनलीगल माइग्रेंट हुआ है, पाकिस्तान एम्बेसी भारत सरकार को रिक्वेस्ट डालती है कि आप इनको भेजिए, हम डिपोर्ट कर रहे हैं, उस समय सचिन जी आप एक पति के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और आप अपना भविष्य अब कैसे देख रहे हैं? सर पहले तो मैं ये विनती करूँगा कि ये यहाँ से नहीं जाए, और हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये सब ना हो, और मेरी विनती बस यही है कि ये यहीं पर रहेगी और यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए। बस जाने की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ।
इसे भेज दें। उम्र का भी एक बात निकल के आ रही है कि आप 28 साल की हैं, सचिन जी 21-22 साल के हैं लगभग, तो कैसे? मैं 23 साल का हूँ, ये 27 साल की है, लेकिन एक 4 साल का फर्क है, कैसे मसला? पाकिस्तान में 10 से 15 साल के फर्क में भी शादियां हो रही हैं, तो 4-7 साल का फर्क मेरे ख्याल में बड़ा नहीं है सर। जी सर। अच्छा एक चीज, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा। मत बुलाए बार बार, इस बात इनको चिढ़ हो रही है। नहीं तो अभी जैसे चीजों को लेकर, अब अभी अभी शादी कोर्ट मैरिज अभी हुई नहीं है, धर्मांतरण अभी हुआ नहीं है, तो कैसे कर? कबूल है शादी है तो ये मेरी मांग भर रही है, फेरे खाए वो शादी नहीं है, इनका मंगलसूत्र मेरे पास है, क्या ये शादी नहीं है? और जब मैं उनको पति मानती नहीं हूँ तो जबरदस्ती आप मेरा पति बता रहे हो। जैसे कि आपने सुना, अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि कब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा, कब यहाँ पर सीमा हैदर पर राजनाथ सिंह एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, क्या यहाँ पर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर यहाँ पर राजनाथ सिंह को कोई बड़ा कदम उठाते हुए सीमा हैदर पर विचार करना चाहिए? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।